किचन द तड़का में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर। पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 3 प्याज, 2 टमाटर और 1 अदरक। एक कड़छी हमने वेजिटेबल ऑयल डाला है इसमें। ये ऑयल हमने डाल दिया। अब हम प्याज काटेंगे। ये हमें ऐसे टुकड़े करके काट के भूनना है अभी इसको। अब हम इसे प्याज को 5 मिनट तक भूनेंगे कढ़ाई में। पूरा नहीं भूनना है, 5 मिनट लगाना है। अब हम ये टमाटर और अदरक कटे हुए इसमें डाल देते हैं। ये टमाटर और अदरक हमने इसमें डाल दिया। अब हम भुने हुए प्याज मिक्सी में डालेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, जरा सा इसमें पानी भी डालेंगे क्योंकि गरम प्याज है, कहीं हाथ में ना लग जाए। ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी ये पीस गई है। अब हम ये ग्रेवी इसमें डाल देंगे। 2-4 मिनट के लिए ये ग्रेवी हमें और थोड़ी भूननी पड़ेगी। अब हम ढाबा स्टाइल में इनको पनीर के टुकड़ों को काटेंगे और अब ये मसाला भून गया है हमारा, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हम 1 चम्मच नमक डाल लेंगे सब्जी में और 1 चम्मच हम मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी और ये हम डालेंगे 2 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। ऐसे सबको मिक्स करेंगे। हम इसको भूनेंगे। ये मिक्स करके थोड़ा भून जाएगा। सारे मसाले जब भून जाएंगे तो अब ढाबा स्टाइल मेन बात मैं बताऊंगी। ढाबा स्टाइल क्या होता है? 2 चम्मच ही दही, 2 चम्मच बहुत है। अब इसको मसाले को जब तक भूनेंगे कि जब तक इस दही भी इनके साथ ही भून जाएगा। ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं पनीर। अब इस पनीर को हम धीरे धीरे से पलटते हैं ताकि टूटे ना। इसको पनीर को भूनने में लगाएंगे। अगर ये ऐसी चाहिए तो ऐसी भी चल जाएगी, लेकिन हम थोड़ा पानी डाल के फिर उबालेंगे। एक कड़छी हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हमारी ये सब्जी तैयार हो गई ढाबा स्टाइल। ये देखो रंग भी ढाबे की तरह आया हुआ है। हो गई है तो। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये बहुत आसान है बनने में, फटाफट से बन जाता है। अब हम इसे
धनिए के पत्तों से गार्निश करते हैं। इन पत्तों से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग किचन द तड़का।